everyone, welcome back to my channel Super Easy Style with Sonam. If you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel. If you had already subscribed it, don't forget to press the bell icon for upcoming notification. आज मैं आप लोग को एलोवेरा जूस के फायदे के बारे में बताने वाली हूँ. ये मैंने खरीदा है, पतंजलि ब्रांड का एलोवेरा जूस है. ये मैंने अमेजोन से खरीदा है और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. अगर आप वहाँ से परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हो. तो ये जो एलोवेरा जूस है, इसकी अगर नेट क्वांटिटी की बात करें तो ये 1 लीटर की बॉटल है. इसका MRP है 200 रुपए. तो हम इसके अब बात करते हैं इसके कुछ फायदे के बारे में. अगर हम डेली एलोवेरा जूस पीते हैं तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं, तो मैं अब आपको इसके फायदे के बारे में बताने वाली हूँ. मैं कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू करने से पहले एक बार टेस्ट एंड ट्रायल जरूर करती हूँ अपने ऊपर. ये एलोवेरा जूस का आप देख सकते हैं, ये जो कंटेनर है खाली हो चुका है. मैंने ऑलरेडी एक बॉटल यूज कर चुका है, ये दूसरा बॉटल है मेरा. तो मैं अब आपको इसके कुछ फायदे के बारे में बताने वाली हूँ. अगर आप डायबिटीज पेशेंट है, अगर आप रेगुलर एलोवेरा जूस का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. पेटों से संबंधित समस्याओं में रामबाण उपाय है इसका. ये जोड़ों के दर्द में काफी आराम पहुंचाता है. अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है तो वो भी एलोवेरा जूस का सेवन कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है. ये त्वचा की तमाम समस्याओं से भी छुटकारा पहुंचाता है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. आपको एलोवेरा जूस डेली पीना चाहिए. ब्लैक हेड्स, रिंकल, चेहरे में दाग धब्बे, आंखों के नीचे काला घेरा, फटी एड़ियां, इन सब में काफी लाभदायक होता है. अगर आप एलोवेरा जूस का सेवन करते हैं तो आपको इन सब चीजों से छुटकारा मिल सकता है. जलने कटने पर अंदरूनी चोटों में एलोवेरा अपने एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों के कारण घाव को जल्दी भरता है. और अगर हम बालों की बात करें तो एलोवेरा जूस जो है, ये पीने के साथ साथ आप इसको बालों पे भी लगा सकते हो. अगर आप एलोवेरा जूस को मेहंदी में ऐड करोगे, इससे आपके बाल चमकीले, घने, मजबूत हो जाते हैं. अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट है तो आप उसके अंदर का पल्प निकाल सकते हैं. अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो आप एलोवेरा जूस के अंदर नारियल का तेल मिला करके आप उसको अपने यहाँ पे जो आपका एल्बो होता है, यहाँ पे घुटनों में आप लगा सकते हो. कि एलोवेरा जूस यूज कैसे करना है और दिन में कितनी बार यूज करना है, सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इसको यूज करना है. ठीक है, ऑलमोस्ट 25 ml मैंने ले लिया है. सबसे पहले आपको 25 ml ये लेना है और इतना ही पानी लेना है. ठीक है, तो ये हो गया है. अब इसे आपको ऐसे ही बनाना है, ऐसा ही आपको इतना ही पैक बनाना है. दिन में 2 बार आपको लेना है, एक सुबह लेना है और एक शाम को. सुबह आप इसे खाली पेट लो और शाम को आपको इसे लेना है खाने के बाद, खाने के मतलब 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपको इसको लेना है, दिन में 2 बार. ठीक है, ऐसे ही. एलोवेरा के रस में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर सिर में लगाने से सिर दर्द में आराम पहुंचता है. और जो स्ट्रेच मार्क होता है, अगर आप रेगुलर एलोवेरा जूस पीते हो तो आपके स्ट्रेच मार्क भी रिड्यूस हो जाते हैं. ऐसी एलोवेरा के और अनेक फायदे हैं. तो अगर आप एलोवेरा को डेली दिन में 2 बार, जैसे मैंने आपको बताया है 20 से 25 ml आपको लेना है और इसको दिन में 2 बार आपको यूज करना है. अगर आप ऐसे ही डेली यूज करेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं अपना वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा.